नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं रीट्स की। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं और वहां से कम जोखिम में कम पूंजी लगाकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, अच्छी आय पाना चाहते हैं, तो रीट्स एक बेहतर निवेश का जरिया है, वो भी रियल एस्टेट में। इसी की बारीकियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दें। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे रीट की। क्या है रीट, रीट में निवेश के फायदे क्या हैं, कैसे करें रीट में निवेश, ये भी जानेंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज हाइब्रिड फंड का फंडा। तो पंकज जी, जो लोग रियल एस्टेट में किसी वजह से निवेश नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्टी के दाम काफी ऊंचे हैं या उनके पास उतने पैसे नहीं है या प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में निवेश करने का उनका मन है, तो उनके लिए क्या रीट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा आप हमेशा बताते हैं, रीट होता क्या है? देखिए, रीट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह से जिस तरह म्यूचुअल फंड काम करता है कि पूल ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और जो पैसा आता है उस पैसे से, जिस तरह से म्यूचुअल फंड हाउस उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से शेयर्स या सिक्योरिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है, और जो प्रॉफिट होता है वो सभी जो भी होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको मिल जाता है। उसी तरह से, क्योंकि रियल एस्टेट में बड़े पैसे की जरूरत होती है, जो आप भी बोल रही थी, यहां पर पहले ऐसा संभव नहीं था, बट अब इस रीट्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप रीट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो कंपनी उसको रन कर रही है, जो भी एंटिटी है, वो उस पूरे पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगी। तो यहां पर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, होटल्स, इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा पैसा, और उस पैसे से जो प्रॉपर्टी बाय की जाएगी वो रेंट पे दी जाएगी। रेंट पर देकर जो इनकम होगी उस इनकम को डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। तो प्रिंसिपली ये जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो या गोल्ड फंड हो, तो गोल्ड फंड है तो गोल्ड में करते हैं, इक्विटी है तो शेयर्स में करते हैं, तो इसी तरह से जब आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बेसिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो बिना प्रॉपर्टी ऑन किए हुए आपको रियल एस्टेट का बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। ये तो बहुत बेहतरीन जरिया है रियल एस्टेट में निवेश करने का। अब रियल एस्टेट बनाम अगर रीट की बात करें, क्योंकि जब प्रॉपर्टी किसी को खरीदनी होती है प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, किस बिल्डर की प्रॉपर्टी है, कानूनी पचड़े सारे या फिर दस्तावेज, और कहाँ पर निवेश करना चाहिए, कौन सी लोकेशन है, उससे कितना फायदा होगा, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके मुकाबले रीट में निवेश के फायदे एक निवेशक के लिए क्या हो सकते हैं? जैसा आपने शुरुआत में बोला कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में छोटी पूंजी के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है, लाखों के पैसों का निवेश लगता है उसमें, उसके अलावा और क्या फायदे हैं निवेशकों के लिए रीट में निवेश के? देखिए, एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे भी रियल एस्टेट में, तो आप एक घर ले लेंगे, एक दुकान ले लेंगे, आप ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है या शेयर जैसा नहीं है कि आपने थोड़े पैसे में ज्यादा शेयर भी ले लिए। यहाँ पर यदि रियल एस्टेट में करना है तो पहले तो अक्सर देखा है कि लोन भी लेना पड़ता है, इतनी बड़ी कॉस्ट होती है कि अपने पैसों से वैसे भी संभव नहीं होता। फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये आपको बेयर करने होते हैं। तो आपने अगर जो प्रॉपर्टी देखी उसमें ये सब पे किया, फिर अगर आप उसको रेंट पे दे रहे हैं तो वो भी इतना आसान नहीं होता है, हमेशा आपको उसका फिर एग्रीमेंट करना, फिर बायर अपना टेनेंट ढूंढना, टाइम टाइम पर अगर वो खाली होता है फिर दोबारा से उस प्रोसेस को पूरा करना, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पेपर वर्क है, और प्रॉपर्टी लेते समय भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना होता है, तो यहाँ पर आपको टाइम भी चाहिए, एक्सपर्टी भी चाहिए, और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आप रीट्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो टोटल पैसा आ रहा है एंटिटी के पास वो उसको मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि उनका तो ये काम है, मैनेजमेंट है,
तो वहां पर प्रॉपर्टी रेंट पे भी जाएगी आसानी से, उसका रेंट भी रेगुलरली आता रहेगा, तो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। खुद आप रेंट पे देंगे तो कभी खाली रहेगी प्रॉपर्टी, कभी जाएगी, वो सब दिक्कतें आपको वहां पर देखनी होंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ज़रूरी है समझना कि आप अगर रियल एस्टेट में रीट के ज़रिए निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए फ़ायदे क्या हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे जोखिम भी जिनके बारे में निवेशकों को पता होना ज़रूरी है। बेसिकली क्या ध्यान में रखा जाए रीट में निवेश करने के समय? देखिए, इंडिया में जो रीट्स हैं, तीन रीट्स हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पर, और उनके तो जैसे आप शेयर बाय करते हैं उसी तरह से अपने डीमैट अकाउंट में आप उनकी यूनिट्स को बाय कर सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप डायरेक्टली जो भी तीन रीट्स हैं उनको आप उनमें आप इन्वेस्ट करें, और जिस तरह से उनका प्राइस बढ़ेगा आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, और क्योंकि लिस्टेड हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइस की जहाँ तक बात है, वो जिस तरह से शेयर का प्राइस कम और ज़्यादा होता है उसी तरह से उसका भी यूनिट प्राइस जो है रीट का वो कम और ज्यादा हो सकता है। तो इंडिया में यदि आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है रीट्स में, तो आपके पास तीन रीट्स की चॉइस है जहां पर आप, ये लिस्टेड तीन कंपनीज हैं जहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अब आपके पास में बहुत सारे और ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आप इंटरनेशनल रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इसी तरह इंटरनेशनल रीट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस आप फंड ऑफ फंड्स स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके जरिए मेरे हिसाब से ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो फंड ऑफ फंड के जरिए इंटरनेशनल रीट में निवेश का मौका निवेशकों के पास होता है, इसका मतलब और भी ज्यादा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के लिए। पंकज जी, कुछ अगर एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे, या कुछ ऐसे रीट्स या कुछ ऐसे फंड जहां पर मौका निवेशकों के लिए है रियल एस्टेट में निवेश करने का? बिल्कुल, देखिए इंडिया की जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर जो लिस्टेड हैं वो ट्रस्ट, एम्बेसी और माइंड स्पेस, ये तीन लिस्टेड रीट्स हैं। तो इनके तो आप डायरेक्टली यूनिट्स बाय कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास जैसे उदाहरण के तौर पर तीन कंपनी हैं, इंफोसिस है या रिलायंस इंडस्ट्री है और HDFC बैंक है, तो इस तरह से आप शेयर बाय कर रहे हैं डायरेक्टली, उसी तरह से आप ये तीन रीट्स की यूनिट्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे फंड ऑफ फंड्स की और इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो यहां पर जैसे कि कोटक का एक फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड का, कोटक इंटरनेशनल रीट्स फंड ऑफ फंड्स स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है वो रीट, और ये जो इंटरनेशनल फंड है ये उन रीट्स की यूनिट्स को बाय करता है। तो अल्टीमेटली यदि आप कोटक इंटरनेशनल रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है। और अब महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड है, वो भी NFO लेकर आ रहे हैं एक फंड ऑफ फंड्स का, महिंद्रा मनुलाइफ एशिया पैसिफिक रीट्स फंड ऑफ फंड्स, तो उसके जरिए भी निवेश किया जा सकेगा। तो इंडिया में अभी फंड ऑफ फंड्स में ये दो चॉइस ही रहेंगी फिलहाल तो, बट जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रियल एस्टेट सभी लोग चाहते हैं कि हो लेकिन संभव नहीं हो पाता हर इन्वेस्टर के लिए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अब फंड ऑफ फंड्स के जरिए रीट्स में इन्वेस्टमेंट करना शायद फायदेमंद साबित होगा। और दूसरी बात, इस वक्त पर जब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे हैं और कुछ समय के लिए शायद नीचे रहने की संभावना भी है, और COVID-19 के बाद जो इकोनॉमी की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ऐसे में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्पेशली रीट्स में शायद फायदेमंद होगा। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए एक अच्छा मौका है रीट में और इंटरनेशनल रीट में निवेश करने का। टैक्स इम्प्लिकेशन की भी बात करूं, उससे पहले कितना परसेंटेज रियल एस्टेट में निवेश का होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में थ्रू रीट्स? बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से 10-15% से ज्यादा का एक्सपोजर आप ना लें, क्योंकि आपके पास में सभी चॉइसेस हैं। पहली बात तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, फिर स्टेबिलिटी के लिए डेट भी है, फिर गोल्ड भी है। तो 10-15% एक्सपोजर आपका रीट्स के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ये होगा। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे
आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो सकता है, बट इन जनरल अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से 10-15% का एक्सपोजर काफी रहेगा। किसी भी निवेश में टैक्स इम्प्लिकेशन के बारे में जानना और समझना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी होता है पंकज जी, इसलिए रीट्स में समझना चाहते हैं जो टैक्स की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। बिल्कुल सही बात है, टैक्स के बाद में हाथ में कितना पैसा छूट रहा है वही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अच्छी बात यह है कि जब आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 3 साल यदि आप होल्ड करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है, और उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद आप 20% टैक्स पे करते हैं। तो यदि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं या आप सरचार्ज भी पे कर रहे हैं तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं पे करना है बल्कि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20%। और मैं एक बात और बता दूं, हमेशा बोलते तो हम लोग हैं इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ, बट आप समझिए सिंपल भाषा में कि यदि आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का हो रहा है लेकिन आप पूरे 1,00,000 पर 20% नहीं पे करेंगे, आप कॉस्ट को पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से इन्फ्लेट कर देंगे तो आपका जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो प्रॉफिट भले 1,00,000 का हो रहा है बट कैपिटल गेन कम हो जाएगा और उसका 20%। सो नेट टर्म में अगर बात करें पूरे प्रॉफिट का तो वो बहुत कम हो जाता है, तो इस हिसाब से आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बेहतर होंगे कंपेयर टू अदर स्कीम्स जहां पर जो इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है आपकी इनकम में जुड़ जाता है और आप अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। और जहां तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सवाल है तो वो डेफिनेटली आपके इनकम में जुड़ जाएगा और जिस हिसाब से आपका टैक्स स्लैब है आप 10%, 20%, 30% जो भी 5%, 20% जिस भी स्लैब में है उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपका नजरिया 3 साल या उससे अधिक का होना चाहिए यहां पर, ताकि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी आपके हाथ में बेहतर आए और कुछ रिटर्न्स अच्छे बनने की उम्मीद भी रहे। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स में निवेश के फायदों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत शुक्रिया आपका। और आज की मास्टर क्लास में क्या खास होने वाला है जरा आपको बता दें, आज हम जानेंगे हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं जानना आप सबके लिए जरूरी है, ताज़ा मार्केट स्थिति में हाइब्रिड फंड्स कैसे काम करते हैं, इक्विटी और डेट का जो एक तालमेल होता है हाइब्रिड फंड्स बिठाने में कैसे कारगर साबित होता है, या अनिश्चित बाजार में हाइब्रिड फंड्स कैसे निवेशकों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, इस पर आज हमारी चर्चा है। सबसे पहले हमारे आज के मास्टर क्लास के खास मेहमान का परिचय करा दें, मयूक दत्ता, नेशनल सेल्स हेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल मिरर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मयूक आपका बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्वाति फॉर दैट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मयूक, हाइब्रिड फंड की जब हम बात करते हैं सुनने में ही लगता है कि कुछ हाइब्रिड दैट मीन्स इक्विटी और डेट का कुछ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ एक कैटेगरी बनाई गई है, थोड़ा शुरुआत में हम आपसे समझना चाहते हैं हाइब्रिड फंड्स का जो बेसिक नेचर है वो क्या है, क्या होते हैं? जैसे आपने सही कहा, हाइब्रिड का मतलब है कि दो एसेट क्लासेस या ज्यादा का एक मिक्सचर होता है एक पोर्टफोलियो के अंदर। हाइब्रिड का मतलब हुआ एक एसेट क्लास से ज्यादा किसी एक स्कीम में होना, उसकी मात्राएं डिसाइड करती हैं कि वो किस तरह का हाइब्रिड फंड कहलाएगा, बट बेसिकली डेट इक्विटी कुछ केसेस में आर्बिट्राज कभी मल्टी एसेट इस तरह के कैटेगरी के अंदर ये अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो निवेशक के लिए कई सारे उनके लाइफ के गोल्स के लिए ये काम आती है। तो हाइब्रिड फंड्स समझ लिए हमने होते क्या है, बेसिकली इक्विटी डेट दो कैटेगरी से बना हुआ प्राइमरीली एक कैटेगरी है जिसको बनाया गया है। लेकिन मयूक ये बात समझना जरूरी है, जब बाजार में उथल पुथल होती है हम देखते हैं मार्केट एट ऑल टाइम हाई या मार्केट में एक कमजोरी भी आ गई है, मुनाफा वसूली का शिकार बाजार हुआ, दैट मीन्स वॉलिटिलिटी बाजार में जब होती है, उस समय जो हाइब्रिड फंड है जैसा इसका नेचर है जैसे दो कैटेगरी से बना है ये इक्विटी और डेट, तब वो ऐसे बाजार में अनिश्चित बाजार में किसी के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का या उसको कह सकते हैं कि उससे रिस्क काफी कम करने का काम कैसे कर सकता है? राइट, सो इसमें इस तरीके से होता है कि
हाइब्रिड फंड्स के अंदर इक्विटी और डेट की मात्राएं डिसाइड होती है, अलग अलग तरीके के हाइब्रिड फंड में इन दोनों एसेट क्लासेस में मात्रा अलग होती है। चलिए एक तरफ बात करते हैं ऐसे निवेशक जो इक्विटी की बहुत उतार चढ़ाव के दौरान या तो वो ग्रीड या फियर के बीच में वो इन्वेस्टर का एक इमोशन आता है, वहीं पे एसेट एलोकेशन भी जरूरी होता है। जब इन्वेस्टर खुद ये चीज नहीं कर पाता है या फिर वो इक्विटी चढ़ रहा है तो फिर नेचुरली लोगों को लगता है कि हमें और उसमें पैसा लगाना चाहिए, और जब गिरता है तो शायद वो नहीं खरीद पाते हैं। वहां पे अगर एक सेट एलोकेशन होता है हाइब्रिड फंड के अंदर तो इन्वेस्टर के लिए अपने आप एक मार्केट के चढ़ाव के समय पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके उस पैसे को डेट में डाला जाता है। सिमिलरली जब मार्केट गिरता है तो हाइब्रिड फंड में आप थोड़ा इक्विटी का परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं और डेट को घटा सकते हैं क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। शायद निवेशक ही खुद अपने आप से ना कर पाए या उनको वो एडवाइस उस वक्त ना मिले या उस टाइम इस तरह का फियर होगा कि वो ना खरीद पाए। हाइब्रिड फंड इस तरह के सिचुएशन में निवेशक के लिए बड़ा अच्छा काम करता है कि अपने आप ऑटो बैलेंसिंग या रीबैलेंसिंग या एक सेट एसेट एलोकेशन को बनाए रखते हुए इन्वेस्टर का एक बेहतर निवेशक का एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, उनका एक अनुभव रहता है कि मार्केट के साथ उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। ऐसे भी हाइब्रिड फंड्स है जहां पे डेट का अनुमान ज्यादा होता है और ऐसे भी हाइब्रिड फंड्स होते हैं जहां के इक्विटी का अंश ज्यादा होता है। इस तरह के केस में दोनों तरीके के इन्वेस्टर के लिए एक इक्विटी ज्यादा और डेट कम और वाइस वर्सा उल्टा भी कि डेट ज्यादा और इक्विटी कम वाले प्रोडक्ट ऐसे इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन बनाए रखते हैं और उनको उतार चढ़ाव के बीच में एक मध्य वाला उनका एक निवेशक का अनुभव रहता है जो इस तरह के प्रोडक्ट उनके लिए बिल्कुल सही बैठता है। मायूक एक बार बताइए, आपने कहा कि हाइब्रिड फंड में अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज या मॉडल्स भी काम करते हैं जिसमें इक्विटी और डेट का जो एक कॉम्बिनेशन है मार्केट के चाल के हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के काम आता है। हाइब्रिड फंड्स के अंदर आपने बोला कि कई ऐसी कैटेगरीज है जहां पर इक्विटी और डेट की मात्रा डिसाइड की गई है, कुछ उसके अंदर जो कुछ कैटेगरीज आती हैं वो आप निवेशकों को बता सकते हैं? यस, सो हाइब्रिड एक ब्रॉड कैटेगरी है, जैसे इक्विटी एक कैटेगरी है, डेट एक कैटेगरी है, और उन कैटेगरीज के नीचे आपको कई तरीके के अलग अलग तरीके के इक्विटी या डेट फंड्स मिलते हैं। हाइब्रिड में भी इस ऐसे 6 कैटेगरी दिए गए हैं जो कि आप ऐसे मान सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव से लेके एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए इस तरह की, जहाँ पे डेट और इक्विटी की मात्रा को कंट्रोल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी है जहाँ से अगर हम लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ जाते हैं अगर, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जिसके अंदर डेट का अनुमान ज्यादा होता है, करीबन 75% के आसपास डेट होता है और इक्विटी उसके अंदर 15-25% होता है, बाकी थोड़ा कैश होता है। वैसे ही बैलेंस बोल के कैटेगरी है जहां पे ऑलमोस्ट 40-60% डेट या इक्विटी दोनों के बीच में चेंज होता है, विच इज बेसिकली यू कैन थिंक अबाउट कि इसके अंदर ज्यादातर समय पे आप 50% इक्विटी 50% डेट के एवरेज में ये ऐसे कैटेगरीज होते हैं। थर्ड होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जहां जो पुराने समय में इनको बैलेंस फंड्स बोला जाता था, जहां पे इक्विटी का परसेंटेज ज्यादा होता है, रफली ये 65% एंड अबव इक्विटी होता है, बाकी डेट होता है। यूजुअली इंडस्ट्री में आपको ऐसे एग्रेसिव फंड्स में करीबन आपको 70-75% इक्विटी रखा जाता है, बाकी डेट होता है। देन देयर इज डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज, जिसके अंदर डेट और इक्विटी का एलोकेशन फंड मैनेजर अपने मार्केट को देखते हुए अपने अनुमान से वो उस परसेंटेज को डायनेमिकली चेंज करते रहते हैं। देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज आर्बिट्राज फंड्स, एंड देयर इज लास्ट कैटेगरी इज मल्टी एसेट, जिसके अंदर डेट इक्विटी और तीसरा एसेट क्लास होता है ज्यादातर उसके अंदर गोल्ड होता है, तो मल्टी एसेट के अंदर भी हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कैटेगरी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर रेगुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टर के लिए बड़ा ही आसान कर दिया गया है कि जब आप फंड खरीदते हैं आपको पहले से पता होता है कि इस फंड के अंदर मुझे कितना इक्विटी मिल रहा है और कितना डेट मिल रहा है, और आप अपनी जरूरत और अपने गोल के हिसाब से आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स का टैक्सेशन कैसा है मायूक, ये जानना काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि इक्विटी और डेट का कंपोनेंट दोनों है हाइब्रिड कैटेगरी में, तो टैक्सेशन किस हिसाब से रहता है? लवली, सो इसके अंदर जैसे मैं फिर से कैटेगरी वाइज 6 का जल्दी से आपको बताता हूँ। शुरू में मैंने कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करी, जहां पे अधिकांश
परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो का डेट में होता है, तो उसका टैक्सेशन डेट होता है। 50-50 जो फंड होता है बैलेंस फंड, जहाँ पे डेट और इक्विटी 50% के अंदर एवरेज में रहता है, वो भी उसका डेट टैक्सेशन होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का टैक्सेशन इक्विटी का होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का आज के तारीख में जो रूल्स है टैक्सेशन के, वो ये कहते हैं कि अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन चाहिए अपने फंड में, तो वो फंड ज्यादातर समय उसको 65% एंड अबव इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। एग्रेसिव फंड उस कैटेगरी में आता है, इसलिए उसका टैक्सेशन इक्विटी का है। आर्बिट्राज फंड्स का टैक्सेशन इक्विटी का है। मल्टी एसेट का टैक्सेशन और डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैफ का टैक्सेशन इस बात पे निर्भर करता है कि फंड मैनेजर उसके अंदर किस तरह का एसेट एलोकेशन चला रहे हैं। अगर उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ है तो इन्वेस्टर को इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा। अगर वो परसेंटेज अपना चेंज करते हैं और उसमें डेट का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसमें इन्वेस्टर डेट का टैक्सेशन देता है। मायूक, आपसे आखिरी सवाल होगा, हाइब्रिड फंड्स में या किसी भी कैटेगरी में हाइब्रिड फंड के अंदर जो आती है, लगभग कितने अवधि का निवेश आप निवेशकों के लिए कहेंगे कि किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? ओके, सो इसके अंदर मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि जैसे जितना स्कीम के अंदर डेट का एलोकेशन ज्यादा होता है, वो आपके नियर के लिए गोल्स के लिए या अगर आपको 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ऐसे स्कीम में आप लगा सकते हैं, ताकि आपको आपका निवेश ज्यादा मार्केट के उतार चढ़ाव से के ऊपर निर्भर ना हो और आपको एक बेसिक डेट टाइप रिटर्न मिले। जैसे जैसे फंड में इक्विटी का पोर्शन बढ़ता जाएगा, वैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट आपकी अवधि भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी और इक्विटी का रिटर्न और कंपाउंडिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जिसके लिए निवेशक इक्विटी में आते हैं, उसका उनको बेनिफिट मिले। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे फंड का इक्विटी पोर्शन बढ़ता जाएगा, उतना ही आपकी अवधि भी बढ़नी चाहिए। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी होता है, मैं उसमें आपको यही मेरी सलाह यही होगी कि 5 साल या अधिक का पैसा, रिटायरमेंट के लिए पैसा, किसी के लिए लंबे दौरान के लिए जो पैसा रखना है, और जहां पे आपको अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है कि लंबे दौरान तक मैं एक इक्विटी और डेट दोनों तरफ मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां पे इस तरह के एग्रेसिव हाइब्रिड या फिर हाइब्रिड फंड्स टोटली एज अ कैटेगरी का बहुत बड़ा अंश आपके कोर पोर्टफोलियो का ये कैटेगरी होना चाहिए। जी, तो हाइब्रिड फंड्स के बारे में आज हमने अपनी इस म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में समझा और बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों और निवेशकों को इसकी बारीकियां और खूबियां समझाने के लिए मायूक दत्ता, आप हमारे साथ आज शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट के जोखिम के अधीन है, निवेश से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।